सबसे पहले विजय पांडे जी को और ग्रीन सिनेमा अवार्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा, इन्होंने मुझे अवसर दिया इस मंच पर आने का, और अपने भोजपुरी के सभी दर्शकों से, लोगों से, टेक्नीशियन से, एक्टर से, अपने मित्रगणों से वापस मिलने का मौका मिला, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं भी वापसी कर रहा हूँ। तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारे पुराने मित्रगण मिले, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब जोश में है, भोजपुरी सिनेमा फिर से एक नए दौर में एंटर कर रही है, एक नए दौर का शुरुआत हो रहा है। जब से कोविड गुजरा है तब से सिनेमा हॉल्स बंद हो गए हैं, तो जो फिल्में बनती थी सिनेमा हॉल्स में चलाने के लिए एक विशेष वर्ग के लिए, वो समाप्त हो रहा है, और इस नए दौर में, नए शुरुआत में मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। तो एक नया जोश है, आप लोगों का भी प्यार आशीर्वाद चाहिए, सबका दुलार चाहिए, वही दुलार जो आप लोगों ने मुझे पहली फिल्म में दिया था, वही मैं चाहता हूँ कि वापसी में वही आशीर्वाद मुझे फिर से दीजिए। सर, एक बहुत लंबी जर्नी आपकी भोजपुरी है, भोजपुरी से फिर हिंदी की, फिर भोजपुरी, सर थोड़ा सा इस बारे में भी बताना चाहेंगे, ये जर्नी कैसी रही, कितना उतार चढ़ाव रहा इसमें? हिंदी सिनेमा पहले शुरुआत मेरी भोजपुरी से हुई, भोजपुरी मेरा रूट है, उसके बाद मैं हिंदी किया, बहुत कुछ सीखने मिला, बड़े बड़े टेक्नीशियंस के साथ मैं काम किया, एक्ट्रेस के साथ मैं काम किया, तो बहुत कुछ सीखने में मिला जिसको मैं उपयोग में लाऊंगा, क्योंकि मैं निर्माता भी हूं, और वापसी जो कर रहा हूं वो भी फिल्म बनाकर खुद ही अपने आप को वापस लॉन्च कर रहा हूं, तो वो जो अनुभव है वो काम आएगा, और कुछ हिंदी के लोगों को भी, कलाकारों को भी मैं जोड़ूंगा, जिससे कि भोजपुरी सिनेमा का भी जो स्तर है वो अच्छा ही बनेगा, और साफ़ सुथरी फिल्में बनाने की जो मेरी छवि रही है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग भी बहुत उत्साहित हैं, वही प्यार दुलार मुझे मिल रहा है, वही जोश लोगों में मुझे दिख रहा है। मैं जब स्टेज पर खड़ा हुआ और जब मैं बताया कि मैं भोजपुरिया दरोगा की सीक्वल बना रहा हूँ, मेरी जो पहली दूसरी फिल्म थी भोजपुरिया दरोगा, जिसमें कि तीन लोगों को ब्रेक मिला था, मैं बताया पवन सिंह एज ए हीरो, एज ए स्टार इस्टेब्लिश हुए, मंजुल ठाकुर एज ए डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुए, संजय भूषण, अजय प्यारो हमारे छोटे भाई इस्टेब्लिश हुए, और वही लोग, उनमें से काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, और वापस वही धमाल, वही एक्शन हीरो की जो छवि है, वही धमाका फिर से हम करने जा रहे हैं, और बस देखते जाइए, जलवा अभी कायम रहेगा। जब आपने शुरुआत की पवन जी, पवन जी डेब्यू कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, पवन जी बहुत बड़े स्टार में है, और मंजुल ठाकुर की भी अपनी जो डायरेक्टर की स्थिति है बहुत अलग है, बहुत नामचीन है, बहुत अच्छे फिल्म बना रहे हैं, तो उनका सहयोग क्या इस बार आपको मिलेगा, उनका अनुभव आपका अनुभव मिल के कुछ नया कुछ करेंगे? देखते हैं, अभी स्क्रिप्ट पर काम जारी है, कास्टिंग भी जारी है, और देखिए मैं स्क्रिप्ट को हीरो मानता हूँ, हमारा स्क्रिप्ट में अगर दम है तो स्टार तो बनते रहते हैं, मेरी पहली फिल्म से ही हैरी फर्नांडिस बहुत बड़े स्टार बन गए थे डायरेक्टर, तो स्क्रिप्ट सबसे बड़ा होता है, और दर्शकों का प्यार, और जब दिल से काम होता है, जब सब लोग दिल से जुड़ते हैं तो वो ज़रूरी है, तो हम जिनको जोड़ेंगे, वो जो दिल से काम करेंगे वही हमारे फिल्म से जुड़ेंगे, और हम वही स्क्रिप्ट, वही चीज़ लेकर आएंगे जो भोजपुरिया माटी को दर्शाएगा, असली कलर को दर्शाएगा, और हमें उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि हमारी फिल्म वही जलवा दिखाएगी, वही प्यार मिलेगा उस फिल्म को जो उसको मिला था, और काफ़ी और नए स्टार्स मिलेंगे, आप देखते जाइएगा, एक नया इतिहास हम फिर से लिखना जा रहे हैं।